हाँ जी, और कोई डाउट हो तो पूछ लें वो भी। नहीं सर, फिलहाल कोई डाउट नहीं, यही था मैं दो। ठीक है, ये दो चीज आपको क्लियर हो गई, लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ऐसा करते हैं, इन्हीं प्रोग्राम्स को हम बीबीए पे ट्राई करते हैं, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग का मैंने सैंपल समझाया, बट रिकॉर्डिंग मैक्रो को कैसे यूज करना है वो मैं बीच में आप समझ ही जाएंगे उसको करते करते, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इन्हीं प्रोग्राम से। मैं क्या करूंगा, डेवलपर टैब में जाऊंगा और विजुअल बेसिक्स में चला जाऊंगा, ठीक है जी। अब विजुअल बेसिक में सबसे पहली चीज मैं करूंगा इंसर्ट मॉड्यूल, ठीक है जी। और देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं हमारे पास विजुअल बेसिक में। एक होता है हमारा मैक्रो, जिसे मैक्रो कहते हैं, और वो जो होता है हमारा सबसे चालू होता है SUB, और फिर उसका मैक्रो का नाम देंगे। जैसे मैं कर देता हूं कि मैक्रो 1 कर देता हूं, ये नाम दे दिया। सर, जैसे अब आपने सब लगाया, ये सब्जेक्ट लगाया आपने, सब ये किस प्रोसीजर लिए के लिए, यूज वैसे करते हैं आप सब्जेक्ट नहीं है ये, सब प्रोसीजर जी? कहते हैं इसे, ठीक है जी। ठीक अच्छा है, इतना लिख के जब आप एंटर करेंगे तो बाकी चीज ये अपने आप कर देगा, ठीक है जी। सब नीले में हाईलाइट हो गया और इसके आगे ब्रैकेट्स आ गए। अब ये आपका कोई कोडिंग भी इंटरफेस। प्रोग्राम, हाँ और कोई भी प्रोग्रामिंग हम चालू करेंगे तो वो सबसे चालू करेंगे। हाँ जी, एक होता है मैक्रो, ठीक है जी। तो मैक्रो हमेशा हम शुरू करेंगे सबसे, और एक होता है हमारा फंक्शन। जैसे मैं उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा फंक्शन, और इसमें करूंगा मैं F1, कोई भी नाम दे देता हूँ, नाम जो भी दूंगा वो कर दूंगा। ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ, एंटर करते ही ये आ जाए। अब आपके कोडिंग मॉड्यूल बन गए। अब ये जो है ना, मैक्रो के अंदर आपकी मैक्रो की प्रोग्रामिंग होगी और फंक्शन के अंदर फंक्शन की प्रोग्रामिंग होगी। अब मैक्रो और फंक्शन अलग अलग क्या होते हैं, ठीक है जी। तो जैसे हम कोई भी चीज, ये है, अब मैं इक्वल टू लगा के जो भी चीज एक्सेस कर रहा हूं, जैसे सम, तो ये एक फंक्शन है, ठीक है जी। जो भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फंक्शन कहलाएगा उसके लिए। हाँ, जो इक्वल टू करके आए, तो अभी मैंने F1 किया था। फंक्शन में एक चीज होती है कि हमें एक चीज रिटर्न, मेरे ख्याल से F1 इक्वल टू 10। सॉरी सर, सर ये जैसे कि F1 लगाया आपने, चलो F तो लगा दिया आपने फंक्शन के लिए, 1 किस लिए यूज किया फिर आपने? ये तो नाम रखा है ना, नाम तो मैं महेश सुरेश कुछ भी लिख सकता हूँ। अच्छा, एफ के आगे जो भी नाम लिया आपने, या एफ वन के लिया या आगे टू नहीं, लिया, जो भी नाम लिया। एफ के आगे नहीं, ये जो लिखा है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ABCDXYZ, किसी का नाम कुछ भी हो सकता अच्छा, फंक्शन पूरा कंप्लीट लिखा जाएगा, फंक्शन के बाद कुछ भी नाम लिख सकते है। हैं हाँ, आप। ये जो हो गया वो उसका नाम हो गया, ठीक है जी। ओके सर, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया F1 के नाम से, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे F1, ठीक ओके। हाँ जी, दिखाई दे रहा है। है जी। ये मैंने किया, बट F1 के साथ एक त्रासदी है, मैं इस नाम को यूज नहीं कर सकता क्योंकि एक रेंज का नाम है, वो कंफ्यूज हो रहा है, आपने फंक्शन लिखा है क्या लिखा है, ठीक है जी। तो F1 के नाम से तो नहीं, FA, तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, FK कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी FK कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं यह कर देता हूँ FK, ठीक है जी। 10 आया। अब ये 10 कहाँ से आया? कैसे? एक मिनट सर, दोबारा से बताएंगे तरीका सर। देखिए, फंक्शन जो होते हैं, हाँ जी बोलिए। आपने डाला हुआ अभी भी, इसलिए वो एफ के इक्वल टू 10 आया है। हाँ, मुझे समझाने दीजिए, फिर उसके बाद कोई डाउट हो जाए तो पूछिए, ठीक है जी। तो ये ठीक सर, फंक्शन क्या होता है, इधर हम इसका नाम लिखते हैं, ठीक है जी। देन और प्रोग्रामिंग के अलावा और क्या चीज इसमें जरूरी होती है, कि आप फंक्शन के नाम के एंडिंग के टाइम, फंक्शन के नाम के बाद इक्वल टू लगा के कोई वैल्यू दें,
वैल्यू दें, मतलब इस सेल का जब हम फंक्शन लगाते हैं तो यहाँ सेल में कुछ आता है, ठीक है जी। इसी तरह जब मैं आपका डेट नाउ का फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है जी, खाली एक फंक्शन है, पर हमारी सेल में कुछ आया तो ये कहाँ से आता है? जो हम यहाँ पे इसके नाम के बाद इक्वल टू करके जो वैल्यू देंगे ना वो देगा ये, ठीक है जी। मैक्रो में हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैंने बताया कि फंक्शन कैसे बनता है, कैलकुलेशन जो है हम बाद में करेंगे, बट मैं आपको बेसिक फंक्शनैलिटी समझा रहा हूँ कि फंक्शन जो है फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है जी, एंड फंक्शन होता है, जो भी कोडिंग होती है हमारी इसके बीच में होती है, और इसके नाम के बाद इक्वल टू लगा के हमें वो देना होता है जो कि हम चाहते हैं कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो क्या रिटर्न करना चाहिए, क्या सेल में आना चाहिए, ठीक है जी। तो हेलो ये, हाँ जी विनय जी, सर एक बार, हेलो हेलो विनय जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, थोड़ा सा एक मिनट बता दीजिए बस, तो क्या रिपीट हुआ था? हाँ हमने अभी स्टार्ट किया था, तो मैं बता देता हूँ दोबारा से, तो देखिए दोबारा से बता देता हूँ तुम्हारी, ठीक है जी। विजुअल बेसिक में जो भी हम करते हैं सर, यहाँ से मैं रिमूव मॉड्यूल कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा दिखाऊं, एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। डेवलपर बार में हमारा विजुअल बेसिक होता है, ठीक है जी। देन कोई भी हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, चाहे फंक्शन बनाए चाहे मैक्रो बनाए, दो चीजें होती हैं इसमें, फंक्शन होता है, मैक्रो होता है, और यूजर फॉर्म होते हैं। यूजर फॉर्म होते हैं कि मतलब उसका एक्सेल से कोई लेना देना नहीं होता, बीच में इंटरफेस के लिए हम वो बटन वगैरह डायलॉग बॉक्स वगैरह एक अलग पैनल पे देते हैं। तो अभी हम बात करेंगे मैक्रो की और फंक्शन की। मैक्रो या फंक्शन कोई भी प्रोग्राम करने के लिए हम इंसर्ट में जाते हैं और मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, ठीक है जी। ये कोडिंग हम इस पे भी कर सकते हैं, शीट पे डबल क्लिक करेंगे तो भी वो ऐसी ही स्क्रीन देगा, ठीक है जी। बट प्रॉब्लम क्या है, कोई भी शीट अगर डिलीट हुई तो वो कोडिंग लॉस्ट हो जाएगी। कोडिंग जो है शीट के साथ अटैच रहती है अगर हम शीट यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए सेपरेट मॉड्यूल देते हैं कि अरे ये फाइल तो रहेगी तो फाइल के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं जब भी हम मॉड्यूल में कोडिंग करते हैं, ठीक है जी। अब मॉड्यूल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपका मैक्रो, और ये आप मैक्रो और फंक्शन वैसे शीट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, मॉड्यूल बस एक कीपिंग प्लेस है कि उसको हम यहाँ रखेंगे। तो कोई भी मैक्रो, मैक्रो का पहले मैं बता देता हूँ कि मैक्रो क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ये सम का फंक्शन है, ठीक है जी, जो इक्वल टू से जो भी चालू होता है वो होता है हमारा फंक्शन, ठीक है जी। मैक्रो क्या होते हैं, कोई भी वर्किंग जो हम माउस के जरिए करा रहे हैं या टाइप करके कर रहे हैं, कोई भी वर्किंग अगर हम एक फॉर्मूला टाइप करते हैं तो भी वो मैक्रो के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। माउस की वर्किंग, कोई भी ऑप्शन फिल्टर लगाना या कुछ भी ऐसा चीज, वो आता है फंक्शन के अंदर, नहीं मैक्रो के अंदर। और फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि आप इक्वल टू लगा के जो फॉर्मूला उसको फंक्शन, दो चीजें होती हैं। दोनों की स्टार्टिंग कैसे होती है, मैक्रो जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो करते हम लिखेंगे SUB और इसके बाद कोई भी नाम दे देंगे, महेश, सुरेश, मैक्रो वन, कोई भी, महेश दे देता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, तो आपका ये कंप्लीट कोड आ जाएगा। अब ये मैक्रो का कोड आ गया, ठीक है जी। अब आपकी कोडिंग जो होगी वो इसमें होगी, इसके अंदर होती चली जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी इसके बीच में कोडिंग होगी आपकी मैक्रो। इसी तरह से जब फंक्शन करते हैं सब के बाद एंड सब होना जरूरी है, सब में मैक्रो का नेम लिखने के बाद ये मैक्रो ये डबल ब्रैकेट जरूरी है, वैसे अपने आप आ जाते हैं, ठीक है जी। अगर ना आए तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है जी। बाकी डबल ब्रैकेट हम यूज किस लिए करते हैं सर? जो डबल ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं किस लिए यूज करते हैं? इसको किसी लिए यूज नहीं करते, कंप्लीट कोड है। देखिए यहाँ पे ना हर एक चीज का तरीका है। अब आप कहेंगे कि इफ का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो चीज जो चीज नेसेसरी है उसका पैटर्न नहीं, भाई पता है क्या, इसमें आप कुछ भी लिखते जाएंगे
तो जिसने ये लैंग्वेज बनाई है उसे कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या है? तो उसने एक ऐसे पैटर्न बनाए हैं कि वो जान सके। अब मान लीजिए इसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ कोडिंग शुरू कर देता हूँ, तो क्या होगा कि उसे यही नहीं पता पड़ेगा कि मैक्रो का नाम है क्या। ठीक है जी, वो सारे को नाम जैसा ले लेगा। तो नाम की एंडिंग के लिए उसे पता है कि जहां पहली बार ये आ जाए और सबके बीच में वो उसका नाम है। तो इनके पास हर चीज का लॉजिक है। तो इसके अंदर बेसिकली कोडिंग होती है मैक्रोज की, और इसके अलावा एक चीज होती है फंक्शन। फंक्शन जैसे मैंने बताया सम का फंक्शन, नाउ का फंक्शन, वी लुकअप हो गया, वो एक फंक्शन है। तो फंक्शन फंक्शन जब भी हम टाइम टाइप करते हैं और इसके बाद नाम देते हैं, मैं इसको सुरेश कर देता हूँ, ठीक है जी, एंटर करूंगा तो अब मेरा फंक्शन का क्राइटेरिया आ गया। बट मैक्रो और फंक्शन में, मतलब ये सब जो है, सब प्रोसीजर कहते हैं वैसे इसे, सब और फंक्शन में सिर्फ एक डिफरेंस है कि एक तो इनकी स्टार्टिंग एक की सब से होती है, एक की फंक्शन से होती है। दूसरा, फंक्शन में जो है हमेशा वैल्यू रिटर्न होती है। ठीक है जी, हमारे डीबीए के अंदर भी फंक्शन होते हैं, तो मैं, मेरे को लास्ट में क्या करना होता है, इसको इक्वल टू करके कोई एक वैल्यू देनी होती है, वैल्यू एक ही होती है इसकी। ठीक है जी, तो मैं कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, अभी मैं कुछ भी देख रहा हूँ, अभी कोई भी कैलकुलेशन की कोडिंग नहीं कर रहा इसमें। अब ये मेरा फंक्शन पूरा है, और इसमें मैक्रो में मैं क्या कर देता हूँ, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर देता हूँ। मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए हम एमएसजी बॉक्स का यूज करते हैं, और स्पेस के बाद कोई भी जो हम स्ट्रिंग देते हैं ना टेक्स्ट, उसको इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होना चाहिए। ठीक है जी, तो वो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, मैक्रो के अंदर हमें ये दिख जाएगा महेश, जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, हेलो फ्रॉम मैक्रो आ गया। और अब मुझे वो सुरेश फंक्शन करना है, तो इक्वल टू लगा के करूंगा और सुरेश टाइप करूंगा, या मुझे दिखा भी देगा ब्रैकेट क्लोज, और जो उसके अंदर वैल्यू मैंने प्रोवाइड की थी वो यहाँ दिखाई दे जाएगी। ठीक है जी, तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है इसके बीच में। यहां तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट? सुरेश जो आपने लिखा है इसमें सम, इसमें सम है ये, जैसे इस केस में सम दिया हमने, जैसे ये है ना, ये सम है, ये एक सम है, सम एक फंक्शन है, नाउ है वो एक फंक्शन है, वी लुकअप है वो एक फंक्शन है। तो कोई ऐसे हमने वहां पर सुरेश का नाम दे दिया एज ए फंक्शन। हाँ, इसमें क्या होता है ना, फंक्शन में एक चीज होती है, फंक्शन के पैटर्न में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमने नाम दिया है, क्योंकि वहां सेल में कोई वैल्यू आ रही है ना, वो वैल्यू कैसे पता पड़ेगी कौन सी रिटर्न है, क्योंकि हम 3600 कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर, तो कौन सी वैल्यू सेल में दिखाई देनी है, तो उसको हम लास्ट में फंक्शन के नाम के बाद इक्वल टू करके दे देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा फंक्शन हो जाता है। ठीक है जी, तो फंक्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ वर्किंग करेंगे मैक्रो के ऊपर। ठीक है जी, आपको मैं, आपने पहली चीज सीखी कि मैसेज बॉक्स जो है वो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराने के लिए होता है। अब जो हमने कल प्रोग्राम करे थे ना पीएलटी में अपने, उनमें से कुछ प्रोग्राम उठाते हैं और उनको डिस्प्लेट करते हैं, बाकी बाद में मैं लिंक कर रहा हूँ। ये छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन वाले उठाते हैं। तो दो नंबर की एडिशन का था, तो सबसे पहले था हमारा स्टार्ट। ठीक है जी, अब स्टार्ट के लिए वो क्या हो रहा था, राउंड बॉक्सेस से शुरू हो रहा था। इसमें स्टार्ट कैसे लेना है, सब मैक्रो का नाम डबल ब्रैकेट और नीचे एंड, ये आपका एंडिंग हो गया, ये आपकी स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, तो अब इसमें जो है इनपुट है, वेरिएबल डिस्प्ले
वेरिएबल डिक्लेरेशन मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी मैं इसी पैटर्न पे जाऊंगा। गेट द फर्स्ट नंबर, अब यूजर से फर्स्ट नंबर लेना है, गेट द सेकेंड नंबर, एड टू नंबर, देन डिस्प्ले द रिजल्ट। पर अगर इसको ढंग से करना है ना तो मुझे वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं हम, वो डिम के डिम एफ नम, ये फर्स्ट नंबर हो गया, कॉमा सेकेंड नम एस नम, ठीक है जी। इन दोनों के बाद इनका टाइप बताना होता है। तो आपने वहां न्यूमेरिक किया था ना, न्यूमेरिक को यहां इंटीजर पे ले, ठीक है जी। अब ये हो गए आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है जी। इसमें मैं नंबर स्टोर कराऊंगा, देन एफ नम, एफ नम में ये था ना हमारा गेट द फर्स्ट नंबर, तो मैंने कहा एफ नम इक्वल टू, अब हमें इनपुट लेना है यूजर से, तो हमारे पास होता है एक इनपुट बॉक्स, ठीक है जी। इनपुट बॉक्स टाइप करके ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इधर अपना मैसेज दे देंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, मैसेज दे दिया। अब होगा क्या, जब ये इनपुट बॉक्स डिस्प्ले करेगा ना, उसमें ये मैसेज आएगा कि आप पहला नंबर डालें, और आप जैसे ही नंबर डाल के ओके करेंगे, वो क्या वैल्यू सीधा चली जाएगी एफ नम में, ठीक है जी। इसी तरह से हम दूसरी बार लिख देंगे यहाँ पे सेकेंड है, गेट सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे हम कर देंगे एस नम, और यहाँ कर देंगे एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है जी। अब क्या होगा, सेकेंड नंबर के लिए पूछेगा तो वो एस नम में चली जाएगी, देन क्या होगा, अपना डिस्प्ले कर रखा है, ऐड कर रखा है, प्रोसेस है ना, ऐड कर रखा है, तो हमें तीसरा वेरिएबल क्या चाहिए, टोटल का, ठीक है जी। टोटल दे दिया मैंने, टोटल में क्या हुआ है, एफ नम प्लस एस नम, ठीक है जी। प्रोसेस में ये हुआ, देन डिस्प्ले द रिजल्ट। आउटपुट के लिए हम अपना मैसेज बॉक्स यूज कर सकते हैं, एमएसजी बॉक्स, ये आप ब्रैकेट के साथ भी डाल सकते हैं इसकी तरह, या स्पेस लेके भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। दो तरीके होते हैं, पर कई बार क्या होता है खाली ब्रैकेट ही एक्सेप्ट करता है, कई बार क्या होता है खाली स्पेस ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है जी। तो इस बार ब्रैकेट से करते हैं, तो ब्रैकेट में मैंने कर दिया टोटल, ठीक है जी। हाँ, कोई भी वेरिएबल मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, ठीक है जी। अगर मैं टेक्स्ट देना है तो मुझे ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के बीच में देना पड़ेगा, पर वेरिएबल को मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ मैसेज की फॉर्म में, हालांकि मैंने पहले ऐसा किया था, ब्रैकेट नहीं डाले थे, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इस मैक्रो को रन करते हैं। अब यहां से भी रन कर सकते हैं मैक्रो, पर फंक्शन यहां से रन नहीं होगा। मैक्रो आप चाहे तो इस बटन से रन कर सकते हैं, और चाहे तो अपने एक्सेल पे जाके यहाँ मैक्रो में आपके ये है। तो जैसे ही मैंने रन किया, तो पहले मेरे से मांग रहा है फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 10, ओके किया। फिर ये मेरे से मांग रहा है एंटर सेकेंड नंबर, मैंने कहा 20, फिर मैंने ओके किया, प्लस हुआ, देन रिजल्ट ये दे दिया, ठीक है। पर 10-20 कुछ गड़बड़ दिखाया मुझे, प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो वैल्यू ली थी उसने 10-20 को वैसे प्लस करके दिखाया है। क्यों दिखाया है? क्योंकि इसमें ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, इसके आगे मैं एक फंक्शन लगा देता हूँ सी इंट। सी इंट क्या करता है कि आपका इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि वो आपकी जो कैरेक्टर की वैल्यू थी ना, इनपुट बॉक्स ने उसे टेक्स्ट में रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। और ऐसा ही इसने किया, क्योंकि इनपुट बॉक्स को तो पता नहीं है कि वो क्या चीज है, आपको उसको कैलकुलेशन करना है कि खाली नाम की तरह रखना है, उसे नहीं पता कि न्यूमेरिक था कि करेक्टर था। तो सी इंट एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कोई भी करेक्टर डालेंगे तो आपको इंटीजर में, हाँ अब ये वेरिएबल को बता रहा है कि भाई साहब ये इंटीजर ही है। अब इन दोनों को जब पता है इंटीजर, तो ये इंटीजर की तरह बिहेव करेगा। तो जब मैं इसको प्ले करूंगा, 10
बीस तो 30 सही आएगा, ठीक है जी। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कि हर एक चीज कैसे कैसे चलती है, हर एक का अलग अलग एग्जिस्टेंस क्या है, पर अभी आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं कि प्रोग्रामिंग करते कैसे, ठीक है। इसमें क्लैरिटी हुई थोड़ी सी, कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। सर ये जो डिम आपने जो सबके बाद डिम का प्रयोग किया है, हाँ, ये किस लिए करते हैं हम डिम का प्रयोग? ये करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है जी। मैंने आपको जब मैं इसके बारे में बता रहा था तो हमने एक वो देखा था ना पीएलटी में, जब हम आगे गए थे, जब हमारे वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इसमें ये जो प्रोसेस आया था ना, कैरेक्टर सी आइटम नेम न्यूमेरिक एन प्राइस, तो ये प्रोसेस था एक, ठीक है जी। ये वाला जो स्टेप होता है ना, उसको इस तरीके से किया गया, कोई भी वेरिएबल जो हमें डिक्लेयर करना है उसको हम डिम से करते हैं। हम जैसे मान लीजिए कैरेक्टर के लिए अब क्या यूज करते हैं, डिम एस एस स्ट्रिंग, ये कैरेक्टर हो गया आप, ठीक है जी। सिंगल से भी दे सकते हैं या कॉमा पॉपा करके मल्टीपल डिक्लेरेशन एक बार में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप दो चीजें याद रखिए, इंटीजर जो होता है हमारा न्यूमेरिक से टच कीजिए इसको, ये न्यूमेरिक वाले से, और करेक्टर वाले को किससे टच कीजिए, स्ट्रिंग, ठीक है जी। ये क्लियर है वेरिएबल डिक्लेरेशन, हालांकि स्ट्रिंग आपको अभी यूज नहीं किया। देन हमने क्या किया, इनपुट लिया यूजर से, कोई भी आप जो चाहते हैं कि जो भी लिखे हैं आप, वो कोडिंग में एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, उसको आप एपोस्ट्रोफी से लिख सकते हैं, ये हरे कलर में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये कमेंट देने के लिए होता है, ठीक है जी। देन आपका ये क्या हुआ, प्रोसेस। देन आपका क्या हुआ, आउटपुट, आउटपुट, ठीक है जी। वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और इसके नीचे क्या हुआ, ये एंड हो गया, ठीक है जी। और ये जो आपका था ये स्टार्ट हो गया, तो आप समझ गए, अलग अलग चीजों को मैंने बांट दिया, ठीक है। प्रोग्राम के साथ अब टच करेंगे तो टच कर जाएगा आपको, ठीक है। ये पार्ट समझने जरूरी है। वेरिएबल डिक्लेरेशन आप समझ गए कि किस लिए होता है, क्योंकि हमें यहाँ इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू आई वो कहीं सेव करानी जरूरी है, ठीक है जी। प्रोसेस में क्या किया हमने, कैलकुलेशन की, एफ नम को एस नम से जोड़ दिया, फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से जोड़ दिया, और इन दोनों की वैल्यू टोटल में ट्रांसफर करा दी, ठीक है जी। आउटपुट के अंदर क्या हुआ, डिस्प्ले की बात हो रही है, तो मैंने मैसेज बॉक्स के थ्रू इसको डिस्प्ले करा दिया टोटल। अगर हम एंटर फर्स्ट नंबर नहीं लिखे स्ट्रिंग, तो फिर उसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसे एफ नंबर इक्वल टू आप, हाँ हमने यहाँ पे, हाँ इसमें आपको डायरेक्ट, हमने यहाँ पे डायरेक्टली अगर नंबर देना है तो आप इक्वल टू करके कोई भी वैल्यू डायरेक्ट दे दीजिए, लेकिन वो तो सब 10 के सब करेगा ना उस समय। हाँ तो एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें तो यूजर से लेना है ना, हम देखो फॉर्मूला बना रहे हैं अभी, तो हमें ये नहीं लिखना कि हमें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, ये नहीं लिखना, सिर्फ हमें कोई भी वैल्यू यूजर से डलवानी है, सर एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें वो विंडो वैल्यू डालेगा। इस सहूलियत के लिए दिया है ना कि ये जो डिस्प्ले हो रहा है, सर जैसे ये डिस्प्ले ये नहीं लिख पाना होगा, हाँ। सिर्फ हमें जैसे पॉपअप आया उसके अंदर वैल्यू डाले, और उसका दूसरा पॉपअप आए और उसमें दूसरी वैल्यू डाल दे। अच्छा तो मेरे ख्याल से खाली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से दे दीजिए, कुछ नहीं दिखाए, ठीक है जी। मैसेज नहीं लिखवाया, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से इनको हटा देता हूँ, एक बार देखता हूँ आप क्या लेता है।
हाँ नहीं, तो इसमें आर्गुमेंट जरूरी होता है, तो इसलिए आप ब्लैंक देना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए। इसको भी CINT देना पड़ेगा अगर हम, क्योंकि अभी हम मैसेज बॉक्स को तो डाल नहीं रहे हैं उसको, किसको? ये जो अरे नहीं आप समझे नहीं, नहीं उसमें मैंने ये थोड़ी, ये तो मैसेज डिस्प्ले कराया था ना। ये तो ठीक है सर, जो CINT आपने कन्वर्ट किया है हाँ इस फर्स्ट एफ एफ नम इक्वल टू आगे जो हाँ CINT, हाँ इसका मतलब क्या बताया था आपने? मैंने बताया था कि उसने जो वैल्यू दी थी ना, जो उसने यूजर करेक्टर दिया है, करेक्टर इनटू करेक्टर से कन्वर्ट हो गया इंटीजर से। हाँ सी इंट मतलब कन्वर्ट टू इंटीजर, सी इंट कन्वर्ट टू इंटीजर। इसी तरह आपका होता है, एक होता है वैल भी डाल सकते हैं, सी इंट यूज करें चाहे वैल, जो अपना वैल्यू का फॉर्मूला होता है ना वैल, वो भी डाल जी सकते हैं खाली। तो CINT में मीन्स कि अगर वो यूजर कुछ भी गलत कुछ भी डाल रहा है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। हाँ इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो तो एक टेक्स्ट बॉक्स है, बॉक्स है, उसमें क्या डाल रहा है इसको नहीं पता। तो अगर मतलब आपको स्ट्रिंग, अगर आपको कंकेटिनेट करानी होती है ना, तो आप इसमें प्लस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं डाल दूँ संदीप सिंह, तो अगर मैं प्लस उसमें डालूंगा तो उसका मतलब है कि वो कंकेटिनेट कर देगा, संदीप सिंह खट्टा दिखा देगा, ठीक है जी। चलिए अब दूसरे तरह के प्रोग्राम देखते हैं। अभी मैं खाली इंट्रो दे रहा हूं बस, इसमें कि प्रोग्रामिंग पैटर्न क्या है इसका, बाकी एक एक चीज मैं इसकी आपकी क्लियर कर दूं। अब देखिए यही प्रोग्राम बना लेते हैं, चलो ठीक है जी। इसको कर देते हैं नाउ। अब आप बताइए कैसे कैसे होगा ये। पहला प्रोग्राम है, इसको डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन आइटम। तो मैं क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कैसे करेंगे सर हम इसे? हाँ सब और नाम कुछ भी दे देते हैं, ABC दे देते हैं, ठीक है जी। देन एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है जी। तो पहला प्रोसीजर क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पे, प्रोसेस उसको डिम देना है हमें, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का, ठीक है जी। उससे पहले सर हमें डिम एंड न्यूमेरिक एंड प्राइस और हाँ एंड वैल्यू एंड क्वांटिटी लेनी है सिर्फ, और हाँ करेक्टर में लेना है हमें करेक्टर स्ट्रिंग में लेना है हमें डिम करेक्टर नेम वेरिएबल एंड डिक्लेरेशन जो होगी, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, करेक्टर का बोल रहा है, तो करेक्टर के लिए मैंने कौन सा बताया आप, सबसे पहले स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग डिम हाँ तो ऐसे करेंगे, एज ए स्ट्रिंग। यही वाला लेते हैं, सी आइटम नेम, सी सी आइटम नेम, ठीक है जी, एज कॉमा स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, ठीक है जी। मतलब उसका वेरिएबल के जो भी नाम देना है, अगर मल्टीपल देना है तो कॉमा कॉमा देके फिर लास्ट में एज स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो हमने पहली लाइन करी करेक्टर सी आइटम है, फिर है न्यूमेरिक एन प्राइस एन क्वांटिटी एन वैल्यू। तो न्यूमेरिक के लिए क्या, डिम न्यूमेरिक प्राइस न्यूमेरिक क्वांटिटी न्यूमेरिक वैल्यू एज इंटीजर। एन प्राइस एन क्यूटी वाई क्वांटिटी, और क्या था, एन वैल्यू, एन एंड वैल्यू एज इंटीजर एज इंटीजर, इंटीजर ठीक है जी। ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक्सेप्ट सी आइटम नेम। तो हमने कौन सा यूज किया था, इनपुट बॉक्स, स्ट्रिंग स्ट्रिंग या कुछ स्ट्रिंग देना हमें इनपुट का। सी आइटम नेम। देखिए इनपुट बॉक्स क्या कर रहा है, ऑलरेडी टेक्स्ट में रिटर्न कर रहा है ना, स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है, करेक्टर में रिटर्न कर रहा है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इनपुट बॉक्स कर सकते हैं, कोई उसमें फॉर्मूला देने की अलग नहीं। एंटर आइटम नेम, ये मैसेज दे दिया मैंने यूजर को। देन इसने पूछा एक्सेप्ट एन प्राइस, तो एन प्राइस
इक्वल टू, अब यहां मुझे सी इंट चाहिए और इन ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं करूंगा इनपुट बॉक्स अपना, इनपुट बॉक्स एंटर प्राइस, देन क्या एंटर करवा रहे हैं एन क्वांटिटी। तो किसी को कॉपी कर लेता हूं, देखिए एन क्वांटिटी, हाँ एन वैल्यू इक्वल टू एन प्राइस एंड एन क्वांटिटी। तो यहां तक हो गया मेरा, अब यहाँ पे मेरा प्रोसेस आएगा एन वैल्यू इक्वल टू एन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एन क्वांटिटी, ठीक है जी, आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिस्प्ले सी आइटम नेम एंड एल वैल्यू। अब यहां पे करूंगा मैसेज बॉक्स एमएसजी बॉक्स, यहां पे मैं चाहे ब्रैकेट दे सकता हूँ चाहे वैसे दे सकता हूँ। तो मुझे क्या दिखाना है, वो कह रहा है कि आइटम नेम एंड एन वैल्यू, तो यहां पे दे दूंगा सी आइटम नेम। कंकैटिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, एंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके स्पेस भी दे देता हूँ, हाँ स्पेस भी दे दिया मैंने, ठीक है जी। कंकैटिनेशन का रूल वही है, और एन वैल्यू, ठीक है जी, स्पेस दे दिया मैंने एक का, ठीक है जी। अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम। आइटम नेम मैंने कहा कि राइस, ओके एंटर प्राइस मैंने कहा कि 45 रुपए का है। अरे आ गया यार, 45 का है, ओके। एंटर क्वांटिटी मैं कहता हूँ 5 किलो है, बुकिंग किया, ये बता रहा है राइस 225, ठीक है जी। अगर मैं थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहूँ मैसेज को, तो इसमें कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज टाइप कर सकता हूँ कि यू हैव परचेज, ये एंड डाल दिया सी आइटम ने, फॉर रुपीज, ठीक है, ये कस्टमाइज मैसेज दे दिया इसके अंदर में। अब मैं प्राइस प्राइस मैंने 45 और मैसेज दिखाएगा कि मैं परचेज राइस 4 रुपीज 4 रुपीज, ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब सर ये तो हमने मॉड्यूल में बना दिया, अब इसको सेव करके हर शीट में एग्जीक्यूट करें कैसे करें इसको, या इसको कैसे करें, ये तो अभी तो सेव नहीं किया हमने इसको, किसको इस मैक्रोस को किया है ना, जैसे मैक्रो है। अब ये मैक्रो फंक्शन क्या होते हैं ना कि अपने अलग अलग तरीके से आप हर एक में यूज करना चाहते हैं अपनी हर एक एक्सेल की शीट में। पहली चीज तो ध्यान रखिए, जहां आपने कोड बनाया सिर्फ उसमें नहीं जाए, एक शीट में बनाया है तो वो चीज तो खुलेगी ना, तभी वो शीट के दौरान जब वो ओपन होगी तभी चलेगा। और आप चाहते हैं कि ऐसे आ जाए तो उसके तरीके अलग है, आपको या तो इसको एडिंग फाइल बनाना पड़ता है, ठीक है, वो आपको मैं प्रोसीजर्स बाद में समझा दूंगा सेविंग के। फिलहाल आप इतना जान के रखिए कि मैंने कोड किया है, अब इसको सेव करना है। इसको सेव करता हूं मैं, और एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक ही होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं, माय फर्स्ट मैक्रो, ठीक है। तो कभी भी मैं खोलूंगा तो ये लॉस्ट नहीं होगा, ये
मेरा जो रहेगा माय फर्स्ट मैक्रो, ऐसी तरह साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा। आपको और फिर जब भी आपको देखना हो तो डेवलपर में जाके विजुअल बेसिक्स में ये देख सकते हैं। अगर ये बंद हो तो यहाँ मॉड्यूल वन दिखाएगा आपको, इस पर डबल क्लिक करेंगे आपको आ जाएगा। कई बार क्या होता है ये ऐसे होता है, तो आप देखें फाइल नेम और इसके प्लस के आगे करें, ये भी बंद हो सकता है शीट खोलने के लिए एक्सेल ऑब्जेक्ट्स में। शीट हो गई हमारी, मॉड्यूल जो होते हैं मॉड्यूल क्या करने को तो नहीं आ रहा है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल। तो इसके अंदर हमने कोड कर दिया छोटा सा, देन आगे चलते हैं। तो ये पार प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब ये इसमें एक टायर्स का मॉडल है ना जी, तो इसको करते हैं कि फाइंड आउट इफ अ नंबर डिविजिबल बाय फाइव। तो ये टायर्स का आ रहा है, टायर्स का एक और दे देता हूँ। तो सब इसमें नाम लिखेंगे एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम हो गया। पहले हमें क्या देखना है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन है न्यूमेरिक एन नंबर, तो डिम एन नंबर एज इंटीजर, ठीक है जी। एन आता है हमारा एक्सेप्ट एन नंबर, तो हमें क्या करना है, एन नंबर इक्वल टू सीमिंट करना है इनपुट बॉक्स, और इसमें मैं कहूंगा एंटर एनी नंबर। मैं एरर आपको बता देगा, ठीक है जी। देन ये बोल रहा है एक्सेप्ट एन नंबर कर लिया, अब ये पूछ रहा है इज एन नंबर मॉड बाय फाइव, मॉड फाइव इक्वल टू जीरो और नॉट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा इफ एल्स। इफ एल्स कैसे लगाते हैं इसके अंदर, हम स्टार्ट करते हैं इफ के साथ, देन अपनी कंडीशन देंगे एन नंबर। अब मॉड के लिए वो साइन यूज नहीं होता, यहाँ पे होता है मॉड, मॉड फाइव इज इक्वल टू जीरो। आपकी कंडीशन के बाद क्या होगा, देन लग जाएगा, ठीक है जी। और ये इफ अगर आप खोलते हैं ना, तो इसमें ब्रैकेट बंद कैसे होता है, एंड इफ, ठीक है जी। तो जो इफ का फॉर्मूला है, जैसे हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट का मतलब कि आपकी कंडीशन यहाँ आ जाएगी, देन देन के बाद जो होगा वो आपका यस वाला पार्ट आएगा कि ट्रू में क्या, और एल्स वो फॉल्स वाला पार्ट कहाँ आएगा, एल्स में, ठीक है जी। ये है इफ का मॉडल। इसमें हाँ क्या करते हैं हम लोग, जब भी इफ या लूप वगैरह कोई भी चालू करते हैं ना, तो उसको एक टैब आगे करते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि आपने 36 इफ लगा दी है, अब एंड इफ उसका कहाँ है तो आपको पता नहीं पड़ेगा। तो उस मॉडल से जब भी करेंगे ना कि एक टैब आगे, अब इसके अंदर कोई अगर मैं इफ चालू करूंगा तो एक टैब आगे या कोडिंग करूंगा तो ऐसा, ताकि पढ़ने में आसानी हो। इसी तरह से मुझे क्या करना, इस मॉडल में जब प्रोग्राम करेंगे, ठीक है जी। तो मैंने क्वेश्चन किया कि मॉड फाइव, मैंने कंडीशन डाल दी, अब यस में क्या है, डिस्प्ले विजिबल बाय फाइव, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, मैसेज बॉक्स और यहाँ मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ डिविजिबल फाइव, ठीक है जी। अगर मुझे ये भी देना है कि क्या डिविजिबल बाय फाइव है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन नंबर, फिर इसको कंकैटिनेट कर दूंगा ना, यहाँ पे एक बार भी लिख दूंगा इसको, और पार्ट वाला केस कहाँ लिखूंगा मैं, एल्स के बाद
या ठीक है जी, तो मैंने ये दोनों चीजें कवर कर दी, यस नो को, देन क्या है एंड है, तो इसके साथ एंड इफ लगता है, ये तो आपका पूरा होता है, देन आपका एंड ये लगा हुआ है। ठीक है जी, अभी प्रोग्राम चलाते हैं, कहीं कुछ एरर दे रहा है। अच्छा MSG बॉक्स, ये ना जितने भी फंक्शन है आपके, ये अगर नीले नहीं करते हैं तो समझिए उसमें दिक्कत है, और इसमें क्या है मतलब ये जो कीवर्ड है ना नीले पड़ जाते हैं, और ये जो फंक्शन टाइप के हैं मैसेज बॉक्स हो गया, इनपुट बॉक्स हो गया, ये क्या करेंगे, ये कैपिटल टाइटल केस में हो जाए अपने आप, आप स्मॉल में लिखेंगे कैपिटल में बदल जाएंगे, अगर नहीं बदलते तो समझिए कुछ गड़बड़ है, एरर दिखा देगा वहां पर। प्ले करते हैं, एनी नंबर मैं डालता हूँ 50, ओके वो कह रहा है बल्ब आए 5, ठीक है, फिर से प्ले करता हूँ और इधर डालता हूँ 49, 49 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो समझ गए आप कैसे कैसे चला। ठीक है जी, ये क्लियर है सर। अब देखिए, अब ये तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको यहां से रन में दिखा रहा हूँ या वहां से रन में दिखा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है प्रोग्राम है एकदम फास्ट पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जा रहा है। अब मेरे को ये देखना है कि लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट हुआ, कैसे कैसे काम किया, तो यहाँ पे अपने हम जो है F8 से जो चलते हैं, आप F8 दबाएंगे जब, तो क्या करेगा ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, आप कर्सर इसके अंदर लेके जाइए और F8 दबाइए, तो पहले ये आपको पीला आ जाएगा, तो मतलब इस लाइन पे कोई एरर आएगी ना आपको, तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे एंड या डिबग, तो जब एंड करेंगे तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, डिबग करेंगे तो वो लाइन दिखाएगा कि यहाँ गड़बड़, तो दोबारा F8 दबाया वो अगली लाइन पे चला गया, तो पहले से अंडरस्टूड है, जब हम कोड लिख देते हैं और ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है ना अपने आप, क्या होता है कंपाइलेशन फेस होता है, कंपाइलेशन मतलब वो छोटी मोटी एरर चेक करता है, पर कोई जो एरर जो प्रोग्राम चलने के टाइम आती है उसकी रन टाइम एरर, तो रन टाइम एरर जब भी आएगी आपकी तो प्रोग्राम चलते हुए बीच में रुकेगा। ठीक है जी, एक होता है कि प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, एक होगा प्रोग्राम चलते हुए बीच में रुकेगा। ठीक है जी, तो F8 दबाया, अब क्या है कि हम ना अपना जब भी माउस लेके जाएंगे ना किसी वेरिएबल पे, तो वो ये दिखाएगा कि उसके अंदर क्या वैल्यू, अभी बता रहा है कि टाइप का मतलब है कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अब F8 दबा हुआ वो लाइन वो एग्जीक्यूट हुई, मैंने 10 डाला। ठीक है जी, जब 10 डाला तो यहाँ पे डालूंगा तो इसके अंदर क्या आ गया, एन नंबर मुझे दिखा रहा है 10, अब एन नंबर 5, अब यहाँ पे दिखा एक बार और F8 दबाऊंगा, अभी मैसेज बॉक्स वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, क्या रिजल्ट आया, मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे दिखा रहा है नंबर मॉड 500 इक्वल टू ट्रू, ट्रू के केस में क्या हुआ, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, F8 दबाया मैंने, 10 इज डिविजिबल बाय 5, तो यहां से डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने के बाद ये चला गया एंड, एंड चला गया, F8 दबाया, प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है जी, आज हमने जो सीखा कि हम इस तरह से प्रोग्रामिंग इसके अंदर करते हैं। ठीक है जी, अभी इन सब मॉडल पर मत ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने छोटे छोटे मॉडल बताए कि इफ आपका कैसे लगेगा, मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स, इनको ध्यान में रखिए, इनके रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी, यही प्रोग्राम आपको डाउट होता है। ठीक है जी, बाकी हम अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपने रेंज कीवर्ड, क्या होता है कि हमारे पास एक होता है सेल, हमारे पास ये सेल है या मल्टीपल सेल, मल्टीपल सेल या सिंगल सेल, इनको रेंज कीवर्ड होता है हमारा जो सिंपल होता है, पर रेंज कौन सी शीट में
वो शीट वर्ड हम सीखेंगे दूसरी क्लास में, फिर सीखेंगे कि ये जो शीटें हम मतलब फाइल कीवर्ड होते हैं रेंज शीट और वर्क करना है और कितनी वेरिएशन होती है उसके अंदर वो हम नेक्स्ट क्लास देन उसके बाद हम इफ एल्स पे आएंगे ठीक है सर। तो आज की क्लास एंड करते हैं सर। इसको भेजेंगे रिकॉर्डिंग में भेजेंगे या फाइल किसे आपने जो बनाया मैक्रो वो फाइल भेजेंगे मैक्रो उसकी मैं आपको फाइल फाइल भी भेज सकते मैक्रो आपको समझने में आसानी होगी। हाँ जी हाँ जी क्योंकि वो जो वर्ड्स वगैरह रिकॉर्डिंग में क्लियर नहीं नजर आता। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल।